नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएसटी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है कि सीएससी के माध्यम से जो आधार सेंटर खोलने का प्रोग्राम चालू हुआ था उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ गया है। सीएससी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए। अभी देख लीजिए दोस्तों, पूरा वीडियो इन तक जरूर देखिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों आपके पास इनमें से कुछ चीजें नहीं हुई तो आप बहुत पछताओगे, आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और सीएससी के माध्यम से जो आधार का आता आता काम है आपके हाथों तक आके वापस चला जाएगा। ठीक है, तो बिना देर के हुए दोस्तों एक एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों, आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोज लेके आता हूँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में भी पहुंचा देना। और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उसमें हमें ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पे मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है अपडेट कर देता हूं, तो वहां से मुझसे आप लाइव क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले चलते हैं गूगल पे, और गूगल पे जाकर दोस्तों आपको सर्च करना है सीएससी आधार अपडेट सेंटर। ठीक है, इतना लिख के आपको सर्च कर लेना है। हालांकि लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जा सकते हो। ठीक है, वहां पे जाके दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा vlesociety.com पे सीएससी आधार अपडेट सेंटर रजिस्ट्रेशन का। इस पर क्लिक कर लेना है सिंपली से। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे एक इस तरह के वेबसाइट खुलेगा जहां पे आपको सीएससी आधार अपडेट सेंटर के रजिस्ट्रेशन से लगा के काम में और क्या क्या नियम शर्तें पूरी करनी है पूरा अपडेट मिल जाता है। और वहीं पे आपको सीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा गया है सीएससी आधार अपडेट सेंटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर, वो भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली वहां से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है सीएससी आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि सभी सीएससी वीएलईज को इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है कि सीएससी आधार अपडेट सेंटर रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध है कि फेक मैसेज और ईमेल्स और कॉल्स जिनमें भी आधार सेंटर देने का दावा किया जाता है उनसे आप सावधान रहें। और साथ ही बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयार रखनी है ताकि आपका जब आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो वो आपका हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ें हैं जो आपको तैयार रखनी है, वो पहला है कि बैंक बीसी कोड एंड इशूइंग बैंक बीसी कोड नेम। ठीक है, यहाँ इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि आपको पता है सीएससी आधार अपडेट सेंटर अभी सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास सीएससी के माध्यम से बैंक मित्र है पहले से, यानी कि बैंकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बैंकिंग का काम आप कर रहे हो, बैंक मित्र हो, लेकिन अभी तक आपको बीसी कोड नहीं मिला है या बैंकिंग का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक मैंने लिंक दे दिया है सीएससी बैंक बीसी रजिस्ट्रेशन का और सीएससी बैंक बीसी आईडी कार्ड डाउनलोड का। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर आपने सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी का काम कर रहे हो तो वहां पे जाओगे तो आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे आपको सीएससी के माध्यम से अपना सीएससी आईडी फाइल नंबर डाल के बीसी कोड वाला आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। हालांकि आपको संबंधित बैंक की तरफ से भी सर्टिफिकेट इसका दिया जा सकता है। ठीक है, तो अभी एक स्टेप तो आपका पूरा हो गया कि आपने ये डाउनलोड कर लिया। दूसरा दोस्तों स्टेप क्या है, ये दूसरा पड़ाव ये है कि आपको एनएससीआईटी ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, यानी कि आधार को बनाने या बिगाड़ने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो पास करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि दोस्तों आप अगर सीएससी वे लियो तो सुपरवाइजर वाला ही सर्टिफिकेट एग्जाम अप्लाई करिएगा। यहाँ पे कैसे इस एग्जाम को पास करना है उसका भी तरीका मैंने बता दिया है। सीएससी आधार एग्जाम ऑपरेटर और सुपरवाइजर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम होता है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है, जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वेबसाइट का लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगला दोस्तों है यहाँ पे आपको ऑपरेटर या सुपरवाइजर का आधार कार्ड सबमिट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप तुरंत ही आधार डाउनलोड करके दे सकते हो। लेकिन अगला जो पॉइंट है थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट आधार के लिए आपको एक लैपटॉप और एक मल्टी कलर प्रिंटर रखना है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास जैसे एक कंप्यूटर है ये दो कंप्यूटर है, तो उनमें से एक कंप्यूटर आपको सिर्फ आधार के काम के लिए रखना पड़ेगा, उस पर आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाओगे। और अलग से आपको एक प्रिंटर रखना है, अगर आपके पास प्रिंटर है फिर भी आपको एक ऐसा प्रिंटर मल्टी कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर रखना है जो कि आप जो है लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करोगे, जो कि आधार का काम जिसपे चल रहा है। ठीक है, अगला दोस्तों ये है कि आपको बड़ी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है आधार की। अगर आप डिजिपे चलाते हो तो आपके पास अगर सिंगल मार्फो स्कैनर है, कहने का मतलब कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसके माध्यम से आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो सीएससी का, वो आपका काम कर जाएगा आधार सेंटर के लिए, लेकिन ये होना जरूरी है। ठीक है, अगला है दोस्तों अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी तक नहीं लिए हो तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, करवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट के माध्यम से अपना इंटरनेट चलाते हो तो वो अब नहीं चलेगा, आपको एक नया कनेक्शन ब्रॉडबैंड वाला करवाना पड़ेगा सीएससी आधार सेंटर के लिए। अगला है दोस्तों वेटिंग एरिया स्पेस फॉर 5 सिटीजन। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपको कम से कम 5 लोगों की बैठने की जगह की व्यवस्था करनी है। जगह तो सभी के पास होगी ऑलमोस्ट, वैसे यहाँ पे आपको अगर कुर्सी वगैरह की जरूरत है तो मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाके कुछ वेटिंग वाली कुछ चेयर्स आप खरीद सकते हो 2 सेट, और उनसे आप जो है जो भी लोग आते हैं बैठने के
उनको बैठने की प्रॉपर व्यवस्था दे सकते हो, ठीक है, ऑफिशियल वाली फीलिंग के साथ में। अगला है दोस्तों, आपको एक सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाने हैं जितना भी आपका एरिया है। अगर आपका सेंटर ज्यादा बड़ा नहीं है तो दो तीन ही कम से कम लगे होने चाहिए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे आपके सेंटर पर लगे होने चाहिए। अगर आप बैंकिंग वगैरह का काम करते हो तो आपके लिए वैसे भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना होती है तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा आपके लिए होना चाहिए, लेकिन किसी आधार सेंटर के लिए तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगला है रैंप एंड व्हील चेयर फैसिलिटी। कहते हैं मतलब अगर आपका सेंटर जो है प्रॉपर जमीन से कनेक्टेड नहीं है, कहीं फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे ऐसा कुछ है आपके साथ में, तो वहां पे आपको रैंप फैसिलिटी देनी है और साथ ही व्हील चेयर की व्यवस्था करनी है। लिंक दे दिया है, वहां से व्हील चेयर वगैरह के रेट पता कर सकते हो, बाकी आप जाओ तो लोकल मार्केट में भी खरीद सकते हो, ठीक है। अगला दोस्तों है कि टोकन सिस्टम आपको लागू करना है। टोकन सिस्टम दोस्तों इसलिए क्योंकि पता चला कोई आता है सुबह आपके पास में और कोई अभी 12 बजे आपके पास आता है, तो सुबह जो 8 बजे से बैठा है उसका काम पहले होना चाहिए, 12 वाले का बाद में, ठीक है। लेकिन बहुत जगह होता क्या है कि जान पहचान के चक्कर में, ऐसे लोगों के चक्कर में किसी न किसी का काम आगे पीछे हो जाता है काफी जगह पे। इसके लिए यहाँ पे टोकन सिस्टम आपको 100% अप्लाई करना है, तभी आपका सेंटर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पहले आया है उसका काम पहले होना चाहिए और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो। इसके लिए यहाँ पे आधार जो टोकन सिस्टम मशीन है वो भी आपको लगवानी पड़ेगी, ठीक है। अगला दोस्तों है यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी। कहने का मतलब आपके पास जैसे आधार का काम करवाने, हो सकता है बहुत दूर दूर से लोग आए और काफी संख्या में आ जाए तो उनको वेटिंग का सामना करना पड़ेगा, 1-2 घंटे 3 घंटे का टाइम लगे, तो ऐसे में उन्हें अगर टॉयलेट जाना हुआ या उन्हें पेशाब जाना हुआ तो वो कहाँ जाएंगे। इसके लिए टॉयलेट फैसिलिटी भी यूआईडी की तरफ से अनिवार्य कर दी गई कि आपके यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आपके यहाँ पे आधार अपडेट सेंटर का काम हो पाएगा, ठीक है। तो इतने सारे कुछ गाइडलाइंस है और उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होगा क्या होगा पूरा इन्फॉर्मेशन वहां पे दिया है दोस्तों, एक बार लिंक पे जाके पूरा विजिट कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन सा फॉर्म लगेगा, क्या करना है, आपको कब करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन है। और बाकी दोस्तों अगर आपका कुछ कंफ्यूजन रहता है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी वेबसाइट पर लिख दूंगा, या फिर अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब समय पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों पहुंचा देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।